सीबीआई दफ्तर में रिया से पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक रिया और बाकी आरोपियों का कराया जा सकता है आमना सामना। रिया पूछताछ मामले में हिंदुस्तान का बड़ा खुलासा। कल सवाल जवाब के दरमियान एक दूसरे को देखकर रिया और उसका भाई शोविक रोने लगे। ड्रग्स केस में रिमांड पर लिए गए शोविक, सैमुअल और जैद का मेडिकल चेकअप हुआ। मुंबई के जेजे अस्पताल में एनसीबी ने चेकअप करवाया। रिया से जान पहचान पर संदीप सिंह की सफाई। का रिया से मैं कभी मिला नहीं, सुशांत की मौत के दिन परिवार से पहली बार मिला था। 9 सितंबर तक एनसीबी ने रिमांड पर दीपेश सावद। पूछताछ में दीपेश का खुलासा, रिया के कहने पर ही सुशांत के लिए ड्रग्स लाता था। रिया के वकील सतीश मान शिंदे का रिपोर्ट कोर्ट में दावा, रिया से मिलने से पहले ही ड्रग लेता था सुशांत। रिया चक्रवर्ती के वकील का कोर्ट में बयान, अपने डॉक्टर से बिना पूछे दवाई लेने की बात पर रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ। संजय राउत से विवाद के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी दी। कंगना रनौत को हिमाचल सरकार भी सुरक्षा देगी, सीएम जयराम ठाकुर ने डीजीपी हिमाचल को आदेश दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल और कुलपतियों को प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा पढ़ना नहीं अब सीखना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम हुई, सुपोर कुपवाड़ा मार्ग पर आईईडी को निष्क्रिय किया गया। नई शिक्षा नीति को लेकर बोले पीएम मोदी, लाखों लोगों के सुझाव के बाद तैयार की गई नई पॉलिसी। शहीद जवान नीमा तेंजिंग को दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली में मुठभेड़ के दरमियान बब्बर खालसा के दो आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को रूस जाएंगे, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे के दूसरे चरण की आज सुनवाई है, ब्रिटेन के कोर्ट में पेश होगा नीरव मोदी। 2021 की शुरुआत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो सकती है, चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। आज से दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन शुरू हो चुकी है, मुसाफिरों को नियमों का पालन करना होगा। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल होगी। दिल्ली से सटे नोएडा की एक्वा मेट्रो लाइन आज से शुरू हुई, कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। कोविड नियमों के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा के अलावा लखनऊ में भी मेट्रो की शुरुआत। अगले हफ्ते से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी रूसी कोरोना वैक्सीन, रूस के शीर्ष अधिकारी ने इसका दावा किया है। देश में कोरोना का आंकड़ा 42 लाख के पार, कोरोना से अब तक 71,642 की मौत हुई। देश में एक दिन में आए कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 3,257 नए कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,694 नए मरीज आए। बिहार में कोरोना के 1,797 नए मामले सामने आए, कुल संख्या 47,000 के पार। झारखंड में कोरोना के कुल 49,817 मरीज, 34,330 लोग ठीक हुए, 462 की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना कंट्रोल को लेकर राजस्थान के सीएम गहलोत गंभीर हैं, कहा जीवन बचाने के लिए सुविधाओं में कोई कमी नहीं आई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 90,000 के पार, सबसे ज्यादा जयपुर में 310 मामले। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के पास मुक्तिधाम का विरोध, कोरोना फैलने के खतरे से ग्रामीण नाराज। हरियाणा के सिरसा जेल में 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। गाजियाबाद में पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर अभिभावक, लॉकडाउन के दरमियान 3 महीने के स्कूल फीस माफ करने की मांग। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण। आज वेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाएंगे महंत नृत्य गोपाल दास। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर प्रयागराज में 7 निजी अस्पताल सील हुए। आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की अहम बैठक होगी, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने पर चर्चा। आज हापुड़ कोर्ट में पेश किया जाएगा गौरव चंदेल मर्डर केस का मुख्य आरोपी आशु जाट। उन्नाव में भी लव जिहाद का मामला, 16 साल की नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाकर भगा ले गया अनीस नाम का युवक। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बुजुर्ग साधु की पीट पीट कर हत्या, मोबाइल चोरी की शिकायत करने पर वारदात को अंजाम। लखीमपुर कांड में पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आ चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, हार्ट अटैक से मौत। लखीमपुर खीरी कांड में 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, 2 गिरफ्तार। मथुरा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बहराइच में 12 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप। संभल में एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बिजली विभाग पर जनता के शोषण और मनमानी का आरोप लगाया। बागपत में होने वाली महापंचायत पुलिस प्रशासन के आदेशों के बाद टल चुकी है। कुशीनगर में घर के बाहर बैठे शख्स की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। बलरामपुर में सिलेंडर ब्लास्ट में 1 महिला की मौत हुई, 2 महिला गंभीर रूप से जख्मी।
गुना में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में भिड़ पड़े। आजमगढ़ में अपने मामा की हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे शख्स की गोली मारी गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में भारी पड़ी लापरवाही, खेल खेल में लाइसेंसी पिस्तल से गोली चली, चार बच्चे जख्मी एक गंभीर। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 53 लाख की सिगरेट, 15 लाख 28 हजार का सोना जब्त। अयोध्या में 4 सितंबर को हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दरमियान मौत हो गई, परिजनों ने वजीरगंज रोड पर शव को रखकर जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, अंडे की दुकान चलाने वाले को करीब 1.5 लाख का बिजली बिल भेज जाए। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी में तेंदुए की लाइव तस्वीर कैद होने के बाद हड़कंप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनूपपुर दौरा आज है, करीब 302 करोड़ की विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। भोपाल के बीजेपी की बैठक में 27 सीटों पर जीत का आलाकमान का फोकस है, एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने के निर्देश। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस रद्द, सूत्रों के हवाले से खबर, अधिकारियों के बीच तकरार के चलते क्लास रद्द हुई। मध्य प्रदेश में अब सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक शराब मिलेगी, आबकारी विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पोषण माह, सोशल मीडिया पर सीएम बघेल देंगे कुपोषण को दूर करने का मंत्र। तालाबों में तरण की अनुमति नहीं देने पर भड़क उठी साध्वी प्रज्ञा, कहा परंपरा को रोकने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौवंश तस्करों की जमकर पिटाई की गई है, तस्करों को सड़क पर घसीट कर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। दंतेवाड़ा से करीब 65 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा वाटरफॉल की खूबसूरत झलक, ये बस्तर के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है। सियासी वर्चुअल जंग का आज नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ, वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार की औपचारिकता शुरू होगी। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर पोस्टर से पटी राजधानी पटना। बिहार चुनाव में प्रचार को लेकर कांग्रेस भी ताल ठोकेगी, बिहार क्रांति सम्मेलन के जरिए दिल्ली और सदाकत आश्रम से पार्टी के नेता जुड़ेंगे। पटना में आरजेडी ने कई पोस्टर लगाए हैं, तेजस्वी यादव को फोकस करते हुए लिखा गया नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। कटिहार में प्रेमी युगल के लिए तालिबानी फरमान, प्राइवेट पार्ट को गर्म रॉड से जलाया गया। नालंदा में रफ्तार का कहर, एम्बुलेंस ने ट्रक को टक्कर मार दी, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। झारखंड के बोकारो में अपराधी बेखौफ हैं, राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बाढ़ के भदौर में 3 बच्चों के साथ नदी में कूदी महिला। पटना नगर निगम अब लोगों को साइकिल की सवारी भी कराएगा। राजस्थान में भक्त और भगवान में दूरी खत्म हो चुकी है, आज से प्रदेश में खुले धार्मिक स्थल। बारा में ट्रोला और बस की जोरदार टक्कर हुई, हादसे में बस सवार 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। भरतपुर में रुद्रावल में बड़ा जॉइंट ऑपरेशन, 25 से ज्यादा इमारती पत्थर और ट्रक जब्त की गई। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव तेज हो चुका है, आंगनबाड़ी भवन नदी में समा चुका है। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, नदी में अचानक आए बहाव में फंस गई जीप। हरियाणा के झज्जर में एक सांड मकान की छत पर चढ़ गया, कमजोर होने की वजह से छत टूट गई। एपीएस माइंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ आज लॉन्च होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का बयान, इस साल विकास दर 0 से ऊपर रहने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, कोरोना काल में शेयर बाजारों में बड़ी महिलाओं की भागीदारी। एयर इंडिया दे रहा है बुजुर्गों को तगड़ा डिस्काउंट, ये सुविधा सिर्फ उन बुजुर्गों को जो भारत के नागरिक हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन से बाहर हुए, महिला अधिकारियों को हिट कर दिया था। इंग्लैंड ने साउथहैम्पटन में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पीटा। आईपीएल 2020 का पूरा स्केड्यूल जारी हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिटल्स की आफत बढ़ चुकी है, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कंगना को सुरक्षा देगी, 9 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट से उनके घर तक पहुंचाएगी। लंग कैंसर और इलाज के बीच संजय दत्त रणबीर कपूर के साथ शुरू करेंगे फिल्म शमशेरा की शूटिंग। अर्जुन कपूर के बाद गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को भी कोरोना। दिग्गज संगीतकार एस मोहिंदर का आज 95 साल की उम्र में निधन हुआ, लता मंगेशकर ने दुख जाहिर किया। जर्मनी के हैम्बुर्ग में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट का प्रदर्शन, हयात बलोच की हत्या का विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जारी है रैलियों का सिलसिला, पोस्टर और बैनर से पटी जॉर्जिया की राजधानी। हांगकांग में नहीं थम रहा है प्रदर्शनों का सिलसिला, नए सिक्योरिटी लॉ और चुनाव के टालने को लेकर जमकर विरोध।
ब्राजील में कोरोना से बेखौफ लोग वीकेंड पर आनंद लेने, राजधानी रियो के बीच जमा हुए तमाम लोग। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में भारी बारिश, पानी में डूबी राजधानी डकार की सड़कें और गलियां। ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, आइस क्यूब से भरे बॉक्स में बिताए 2 घंटे 30 मिनट 57 सेकेंड। इंसानों को मस्ती करते खूब देखा होगा, लेकिन आज हाथी की मस्ती देख लीजिए। वेलकम करते हैं इस डॉग का अपनापन, आप देखिए, सारे दिन की थकान ये मिटा देता है। शख्स टेम्परेचर मशीन से ऐसे डर रहा है जैसे वो टेम्परेचर माप नहीं रहा है बल्कि उसे कोरोना हो ही गया है। संगीत के समक्ष इस पैराकीट पक्षी को भी है।